गर्मियों का मतलब है आम। आप गर्मियों के दिनों में बच्चों के लिए बनाएं झटपट से आम का कुल्फी। इसीलिए आज मैं आपके लिए एक ऐसा रेसिपी लेके आई हूँ जिसे आप बहुत ही कम समय में बना सकते हैं, मार्केट जैसा मैंगो मलाई कुल्फी। आज हम मैंगो मलाई कुल्फी बनाएंगे। इसके लिए हमने गैस का इस्तेमाल नहीं किया है, ये इंस्टेंट मैंगो मलाई कुल्फी होगा जिसका बेस ओनली 5 मिनट्स में तैयार हो जाएगा विदाउट एनी कॉर्नफ्लावर, ब्रेड, मावा या खोया। बेसिक 3 इंग्रेडिएंट्स से कम समय में हमने ये स्वादिष्ट मैंगो क्रीमी कुल्फी बनाई है। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। सबसे पहले आम को धो ले, अब इसको कट कर ले। ऐसे डायगोनली कट करें जिससे इसका पल्प आसानी से निकल जाए। मैं यहाँ पे 2 आम ली हूँ जिसका वेट 700 ग्राम है। एक बोल में सारे पल्प को निकाल ले। यहाँ पे 2 आम का पीसेस है। अब एक ग्राइंडर ले और ग्राइंडर में आम का पीसेस को डालें। अब इसमें 1/4 टीस्पून नमक डालें और इसका एक पेस्ट बना ले। स्मूथ सा एक पेस्ट बन गया है। अब एक बड़ा सा मिक्सिंग बोल ले। अब इस मिक्सर को बोल में डालें। इस मिक्सर को व्हिस्क की हेल्प से 10 सेकंड तक मिलाए। अब इसमें 1 कप फ्रेश क्रीम डालें। 1 कप मतलब 240 मिलीलीटर। मैं यहाँ पे अमूल फ्रेश क्रीम डाली हूँ। आप लोग फ्रेश क्रीम का बदले में घर का जमा हुआ मलाई भी यूज कर सकते हैं। अब इस मिक्सर को अच्छे से मिक्स करें। अब इसमें डालें कंडेंस मिल्क। मैं यहाँ पे छोटा सा कैन यूज़ की हूँ जिसमें 200 ग्राम है। 1 कप फ्रेश क्रीम के लिए 200 ग्राम कंडेंस मिल्क चाहिए हमें। अब इस मिक्सर को अच्छे से मिक्स करें व्हिस्क की सहायता से। अब इसमें डालें 4 टेबलस्पून मिल्क पाउडर और मिक्स करते जाएं। मिल्क पाउडर मैंगो प्यूरी में जो वाटरी कंटेंट है वो एब्जॉर्ब कर लेता है और कुल्फी को क्रीमियर बना देता है, एकदम मार्केट की कुल्फी की तरह। अब इसमें 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर डालें। अब इस मिक्सर को मिक्स कर ले अच्छे से। हमारी कुल्फी मिक्सर तैयार हो गया है। आप कुल्फी मोल्ड ले। यदि आपके पास कुल्फी मोल्ड नहीं है तो छोटा छोटा कांच का ग्लास को यूज़ कर सकते हैं या पेपर कप्स भी यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रखिए मोल्ड क्लीन और ड्राई होना चाहिए। अब मोल्ड में कुल्फी मिक्सर डालें। अब मोल्ड को टैप कर ले ताकि अच्छे से कुल्फी बैठ जाए और मोल्ड को कवर कर दे सिल्वर फॉइल से। अब सिल्वर फॉइल में छोटा छोटा कट लगाए और इसमें डाले वुडन कुल्फी स्टिक। बाकी मोल्ड में भी सेम प्रोसेस में कुल्फी मिक्सर डालें और सिल्वर फॉइल से कवर कर दें। अब इसमें भी छोटा छोटा काट लगाएं और वुडन कुल्फी स्टिक लगाएं। अब इसको सेट करने दे फ्रीजर में 5 to 6 आवर्स। 6 आवर्स हो गया है, हमारा कुल्फी जम गया है। अब रिमूव करें फॉइल को। मोल्ड को थोड़ा सा सेक करें हाथों से। अब रोटेट करें, देखिए कुल्फी आसानी से निकल जाएगा। या मोल्ड को एक बड़ा सा बोल में पानी ले और 4 to 5 सेकेंड तक रखें।
मोल्ड से कुल्फी इजीली बाहर आ जाएगा। देखिए कितना बढ़िया सा कुल्फी निकल के आया है। ये कुल्फी का टेक्सचर बहुत ही क्रीमियर है। ट्राई करें एक बार और बच्चों को खिलाएं स्पेशली। मुझे पूरा उम्मीद है बहुत ही पसंद आएगा। तो आज इतना ही, नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। तब तक स्टे ट्यून। थैंक यू फॉर वॉचिंग।